So let's start our class with the word of the day. So word of the day is paparazzi, right? इसकी spelling आसान है, आप इसको divide करेंगे तो papa and razzi, right? So paparazzi बहुत ज़्यादा used word है newspapers में, जिन लोगों को celebrities और सलमान खान और शाहरुख खान जिनके favorites हैं, जिन्हें उनकी न्यूज़ पढ़ना पसंद है. अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट हर सेकेंड न्यूज़ अबाउट देम वुड हैव दिस वर्ड paparazzi. तो paparazzi है क्या टेक्निकली, जब मैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो paparazzi का सिनोनियम होगा फोटोग्राफर. और अगर मैं रियल लाइफ यूसेज की बात करता हूँ तो फोटोग्राफर से थोड़ा सा हटके होता है paparazzi. paparazzi वो लोग होते हैं जो फेमस लोगों को फॉलो करते हैं, फेमस लोगों के पीछे रहते हैं उनकी फोटोज क्लिक करने के लिए, सो दैट दे कैन सेल इट टू अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन. मतलब अगर आप लोगों ने, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन देखी है तो स्पाइडरमैन का जो नॉन सुपर हीरो कैरेक्टर है पीटर पार्कर क्या करता है, एक न्यूज़पेपर में काम करता है, बट उसको सैलरी नहीं मिलती. द ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर आस्क्ड हिम कि तुम स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ खींचो और पर फोटो के हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दूंगा. तो पीटर पार्कर इज टेक्निकली अ पेपराजी ऑफ स्पाइडरमैन. उसको स्पाइडरमैन के पीछे छोड़ा गया है टू हैव पिक्चर्स जिनसे कि जो स्कैंडल क्रिएट करें, जो फेमस हो. आजकल आप देखेंगे कि तैमूर अली खान बहुत ज़्यादा न्यूज़ की paparazzi's का फेवरेट है. दिस वॉज द लास्ट न्यूज़ दैट आई रेड इन द न्यूज़पेपर अबाउट paparazzi's रिसेंटली, दैट तैमूर अली खान इज़ वन ऑफ द फेवरेट सेलिब्रिटी सन्स फॉर द paparazzi's. सो paparazzi एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ अ फोटोग्राफर. एंड अगर हम नॉर्मल स्पीकिंग की बात करें, बहुत कॉमन शब्द है, वो लोग जो सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ खींचते हैं, मे बी स्कैंडल वाली फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं जिससे कि वे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में बेच सकें. सो दिस इज़ आवर वर्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट परफेक्ट. सो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट का सेकेंड पार्ट करेंगे. कल हम लोगों ने बात करी थी कि हैड लगता कैसे है. सो हमारे को दो चीज़ें ध्यान रखनी थी, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस हैड मीन्स अ कंडीशन. हैड लगता है जब कोई काम किसी चीज़ से पहले हुआ होता है. तो यहाँ आने से पहले मैं पढ़ चुका था, दैट इज हैड. आई हैड स्टडीड बिफोर कमिंग हेयर, राइट? सो हैड इज ऑलवेज यूज जब वो कंडीशन किसी चीज़ से पहले हुई होती है. तो आज हम एक बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम की बात करेंगे, जब दो हैड साथ में होते हैं. अब यहाँ पे आपको, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था जब हैव और हैड साथ में था, ऑलमोस्ट सेम लॉजिक है. सो अगर हैव और हैड भी आपने देखना है तो वी हैव द लिंक. बाकी हैड और हैड जब साथ में होता है तो जो फर्स्ट वाला होता है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मेन वर्ब. तो कहने का क्या मतलब है, जब हम हैव की बात करते हैं, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है और वर्ब भी होता है. जब हैव हैज हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, और जब उसके साथ नाउन है तो वो मेन वर्ब मानते हैं हम उसको. उससे हमारा क्वेश्चन समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है. ही हैड स्टडीड एंड ही हैड अ कार. वो पढ़ चुका था और उसके पास गाड़ी थी. तो इस वाले हैड का मतलब हो गया पास, और ना इसके बाद थर्ड फॉर्म आई. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला हैड नहीं है. ये क्या हैड है, ये हैड है हेल्पिंग वर्ब, ये हैड है मेन वर्ब वाला है. सो अब हमको बस ये पता होना चाहिए कि हैड बहुत सारी जगह यूज़ होता है जहाँ पे उसके बाद नाउन आता है. सो हमारे को उन सारे वर्ड्स में चेक करना पड़ सकता है कि खाली हैड आएगा या हैड हैड आएगा. अगेन इसकी एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट परफेक्ट के उस वाले सेशन में मिल जाएगी, और यू विल कवर ऑल दोज, वी हैव ऑलरेडी कवर दोज वर्ड्स. तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा. सो अब हमारा जो रूल क्या है, इसको मैं नोट की तरह लिख देता हूँ. सो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कई बार स्पॉटिंग एरर्स में ऐसा होगा कि आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो नो एरर है, उसमें कहीं एक छोटा सा हैड लिखा होगा. सो द नोट सेज कि आप उस हर शब्द के साथ, अगर आपको क्वेश्चन में नो एरर लग रहा है तो आप चेक करेंगे कि हैड हैड तो नहीं आएगा, उन सारे वर्ड्स के साथ जहाँ पर हैड एज द वर्ब आता है. ये वर्ड सबको पता होते हैं, द ओनली पॉइंट इज कि आप एग्जाम्स में आपको याद आ जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास गाड़ी है, तो मेरे पास गाड़ी है कि इंग्लिश आई हैव अ कार. मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड अ कार. तो यहाँ पे ये जो हैव और हैड है ये किस लिए यूज़ हुए, वर्ब की तरह यूज़ हुए. क्यों? क्योंकि इनके पास नाउन आया. मेरे पास एक आइडिया था, आई हैड एन आइडिया.
मेरे पास एक चॉइस थी, आई हैड अ चॉइस, मेरे पास न्यूज़ थी, आई हैड न्यूज़। तो आप सबको मतलब आप अगर आप देखेंगे तो आपको पता होंगे कि ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो जहाँ पे भी इनके बाद नाउन आ रहा है वहाँ पे ये वर्ब्स हो गए, वो सारे वर्ड्स में हैड हैड आ सकता है। इसकी हम अलग से एक्सरसाइज भी करेंगे अभी। आई विल गिव यू सर्टेन क्वेश्चन जिससे कि थोड़ा सा और डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। सो हैड हैड कब लगेगा? उन सारे वर्ड्स के साथ लग सकता है जहाँ पे हैड एज अ वर्ब आएगा। बाकी कंडीशन हमारी सेम रहेगी कि किसी चीज़ से पहले हो चुका था। तो लेट जस्ट क्विकली डू एन एग्जाम्पल। सो अगेन हमारा हैड क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वाई? बिकॉज जैसे ही आपको हैड हैड दिखता है, सबसे पहले तो आप लोग देख लेना है आगे नाउन है, बिल्कुल आगे नाउन है, तो हैड हैड भी आ सकता है और हैड भी आ सकता है। अब ये जो हैड है ये वर्ब का काम कर रहा है बिकॉज आगे नाउन है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज सिंपल पास्ट। इसको हम सिंपल पास्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम पास्ट परफेक्ट की तरह सॉल्व करेंगे। मतलब अगर वो काम नॉर्मली हुआ है तो सिंपल पास्ट, और वो काम किसी चीज़ से पहले हो गया है तो पास्ट परफेक्ट, जो बात हमने अभी जस्ट अपने इससे पहले वाले सेशन में करी थी। तो मैंने इसका हिंदी किया, मैंने कल अपना खाना खाया, किसी चीज़ से पहले तो नहीं खाया, सिंपल है, मैंने अपना खाना खाया। खाने के लिए उन्होंने क्या वर्ड लिखा हुआ है? ईट, हैड ईट की जगह, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ए। मेरा सेकेंड वाले में क्या कह रहा है? तुम्हारे सोने से पहले मैंने खाना खा लिया था। तो मैंने जो अपना खाना है किसी चीज़ से पहले खा लिया था, किसी चीज़ से पहले खाने का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया हैड हैड। सो फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पॉटिंग एरर्स में जो भी ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हैड एज अ वर्ब यूज़ होता है और आपको क्वेश्चन में नो एरर लग रहा है, तो एक बार आप जल्दी से हैव हैड या हैड हैड चेक करेंगे, हो सकता है वहीं पे गलती मिले, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अभी रिसेंट आप CDS का पेपर देखोगे तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस थे 2019 वाले में केवल हैव हैड और हैड हैड के साथ यूसेज के। सो इसलिए दिस इज़ यूज्ड अ लॉट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड इसको कवर करना पड़ेगा।